नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना योजना 2023, ठीक है। तो दोस्तों, इसके संबंध में हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट देखे जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी सबसे बड़ा काम जो हो रहा है वो हो रहा है EKYC करने का, ठीक है। तो समग्र को आधार से जोड़ने का EKYC बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही जो है हम ऑनलाइन फॉर्म लाडली बहना योजना के फिलअप कर पाएंगे, ठीक है, जो कि 25 मार्च को वेबसाइट और ऐप दोनों लॉन्च हो रही है उससे, ठीक है। तो दोस्तों, डेली हम देखे जा रहे हैं कि आम व्यक्ति, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया कि आम व्यक्ति घर बैठे भी अपना EKYC कर सकते हैं, समग्र को आधार से लिंक कर सकते हैं, और MP ऑनलाइन कियोस्क या CSC सेंटर पर भी जाकर जो है EKYC कर सकते हैं। तो इसी के तारतम्य में दोस्तों एक और एड किया गया है कि आप जहां से राशन प्राप्त करते हैं वहां पर जो POS मशीन रहती है, POS मशीन जो रहती है, उस मशीन के माध्यम से भी आप जो है EKYC हो सकेगा। तो दोस्तों, अधिकतर आप जाते ही हैं POS मशीन पर जो है राशन प्राप्त करने, तो उस मशीन से भी आपका जो है समग्र को आधार का काम जोड़ने का EKYC जो है अब हो सकेगा। तो वही आदेश मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम इससे संबंधित और भी जानकारी जो देखते आते हैं, आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं राशन मित्र पोर्टल की, rashanmitra.nic.in, इस तरह से पोर्टल लिखता है। हम और भी सारे काम इस पर करते जाते हैं। दोस्तों, आज मैं वो महत्वपूर्ण आदेश दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय से निकल चुका है आदेश, क्रमांक देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 16 मार्च 2023 को निकला है, प्रति समस्त कलेक्टर्स मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर POS मशीन के माध्यम से महिलाओं का EKYC कराने के संबंध में। तो जो दोस्तों जो है अब महिलाओं का जो EKYC है वो POS मशीन, जहां से राशन हम प्राप्त करते हैं, सोसाइटी जहां से राशन प्राप्त करते हैं, वो वहां सर पर भी होगा, ठीक है। संदर्भ दिया हुआ है प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास का पत्र क्रमांक दिया हुआ है 15/3/2023 का। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित संलग्न पत्र का अवलोकन हो, जिसमें प्रदेश ने में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णय में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत संभावित पात्र महिला आवेदिकाओं के आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु ग्राम, नगरी निकाय, वार्ड स्तर पर आयोजित होने वाले कैंप में की जानी है। योजना अंतर्गत उन्हीं महिलाओं के आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा सकेगी जिनकी समग्र में EKYC पूर्ण हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि EKYC बहुत महत्वपूर्ण है, तो EKYC की कार्रवाई MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर CSC, लोक सेवा केंद्रों LSKs एवं उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई POS मशीन के माध्यम से EKYC कराया जाना है। तो अतः सभी उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को पात्र महिलाओं के EKYC करने हेतु निर्देशित करते हुए इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाए। तो दोस्तों, अब जो है EKYC MP ऑनलाइन कियोस्क, CSC और जो LSK लोक सेवा केंद्र पर तो हो ही रहा था, और व्यक्ति आम व्यक्ति घर बैठे भी अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से कर सकता था, और ग्राम पंचायत में भी हो रहा था, लेकिन अब जो है POS मशीन से भी EKYC किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रमुख सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, जितना जल्दी जो है EKYC सभी महिलाओं का पात्र महिला का हो सके उतना अच्छा है। तो अब जो है POS मशीन राशन की दुकान पर भी जो है EKYC हो सकेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों, हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।